नमस्कार, मैं अनिल शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय पाठक सर पे। आज सेविंग अकाउंट के एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको हमने सोल्व करना है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है जिसे मैंने लिया है। सबसे पहले इसी को बेसिक सोल्व करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें आपको लेजर फोलियो कॉलम बनाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये लेजर पर्पज नहीं है इसका। इसका पर्पज ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो यू नीड नॉट टू प्रिपेयर लेजर फोलियो कॉलम। आप डायरेक्ट पर्टिकुलर अमाउंट के साथ जा सकते हो। आपको डेट बनाने की भी जरूरत नहीं होती क्योंकि डेट आप ऊपर लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, जैसा कि इसने दिया है 19। डेट कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है। रीजन, क्योंकि ये अकाउंट पूरे साल के लिए बनता है और आपने ऊपर लिख दिया कि ये इस साल के लिए है। ठीक है, लेजर फोलियो भी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें लेजर में इसका कोई काम नहीं है। ये फाइनल अकाउंट है, इससे आपने ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस ही निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक पर्टिकुलर अमाउंट टू ओपनिंग स्टॉक, जैसा कि मैंने फॉर्मेट में लिखा है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपने तैयार करना है। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले 2,00,000 रुपए, परचेजेस 10,00,000, क्योंकि रिटर्न माइनस होती है इसलिए इसे अंदर लिख लेंगे। सेल्स का मैंने आपको क्रेडिट साइड बताया था, बाय सीरियल्स, इसमें से भी रिटर्न माइनस करनी है तो आप यहां लिखेंगे 25,00,000। देन फ्रेट आपका डायरेक्ट एक्सपेंस था, फ्रेट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस था, फ्रेट थी आपकी 32,500 की, टू वेजेस है आपके 1,50। कल बताया था मैंने कौन कौन से ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। फैक्ट्री लाइटिंग है आपकी 54,000। कोल गैस एंड वाटर, टू कोल गैस एंड वाटर 11,000 रुपए। इसके बाद है परचेज रिटर्न 60,000 रुपए मैंने ऑलरेडी माइनस कर दिया है, 9,40। सेल्स रिटर्न में से माइनस करेंगे लेस, सेल रिटर्न कितना है 1,00,000 रुपए, 25 में से 1 माइनस गया, कितना हो गया आपका 24,00,000। उसके बाद कैरिज ऑन परचेज जो है ट्रेडिंग का खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, यहां पर आएगा। लेकिन कैरिज ऑन सेल जो है वो नहीं आएगा, कैरिज ऑन सेल जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है। ठीक है बात। इसी तरह फैक्ट्री का रेंट दिया है, फैक्ट्री का रेंट इसमें ही आएगा, टू फैक्ट्री रेंट कितना 2,20,000। ऑफिस का रेंट प्रॉफिट एंड लॉस का है तो ये वहां आएगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 3,00,000 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक की जगह क्रेडिट साइड। ध्यान दें, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलेगा। यदि क्लोजिंग स्टॉक बाहर ना मिले, अंदर मिले ट्रायल बैलेंस में, तो इससे नाराज हो जाना और इसको आपने क्या नहीं करना, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखना। ठीक है ना, सिर्फ बैलेंस शीट में आता है वहां लिखेंगे। अभी 24 और 3 27,00,000, इस साइड भी 27,00,000 ही आना चाहिए। टोटल कैसे आएगा, 27,00,000 में से ये माइनस कर देंगे, 27 माइनस 2 25,
25 माइनस 9 आपका हो जाएगा 14, 14 में 60 गए 13 लाख, तो हाँ ये हो जाएगा 13,40,000, 13,60,000, ठीक है। 32,500 और माइनस करेंगे, 1,50,000, 54,000, 11,000, 40,000 और 2,20, ठीक है, बिल्कुल ठीक है हमारा सब कुछ यहाँ। तो 10,52,000 रुपए के आ गया हमारा माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान दें कि यहां से हमने ग्रॉस प्रॉफिट को हमारा जो अगला अकाउंट बनेगा वहां पर ट्रांसफर किया, यानी कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा तो सबसे पहले क्या होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड लेके जाए, ठीक है बात। अब ये तो था ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, बिना ट्रेडिंग अकाउंट भी निकाला जा सकता है। एक फॉर्मूला है जिससे आप कॉस्ट निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये फॉर्मूला आपने याद करना है, इसी के बेस पे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आपके सोल्व होने वाले हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, ओपनिंग स्टॉक, देखिए ये इक्वेशनली ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है हमने, ओपनिंग स्टॉक यहां है प्लस नेट परचेजेस, नेट परचेजेस बोले तो परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है ये वाली, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके ये वाले हैं, ये सारे के सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस से, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ये रहा क्रेडिट साइड में, यानी कि ये डेबिट साइड का जोड़ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखा ध्यान दे, और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया तो क्या आ जाती है, कॉस्ट आ जाती है, क्या आ जाती है वो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब हमें निकालना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट बहुत सिंपल है, जो आपकी सेल्स है, कौन सी सेल्स, नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल रिटर्न करके उसमें से आपने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि बिना ट्रेडिंग अकाउंट बनाए ही आप ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर में आपको 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 6 नंबर में, जैसा एग्जामिनर की मर्जी है वो दे सकते, ठीक है, समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं मैं इस चीज को। एक होती है ध्यान दें यहां पर एक और चीज बताऊंगा, एडजस्टेड परचेज, एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ये चीजें हैं। अब ध्यान दें अगर कहीं पर एडजस्टेड परचेज दी है तो क्वेश्चन में आपने ओपनिंग स्टॉक भी नहीं लिखना और क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं लिखना, ठीक है, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको ऐसा आगे जहां पर एडजस्टेड परचेज दिया मिलेगा, तो एडजस्टेड परचेज का मतलब आपने समझ लेना है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस जो है माइनस सॉरी क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो एडजस्टेड परचेज के बाद ना क्लोजिंग स्टॉक लेंगे ना ओपनिंग स्टॉक, ठीक है बात। आइए कुछ इस इक्वेशन के बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिशें करेंगे, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट आज पूरा करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, कहता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है आपको, उसने दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला मैंने अभी किया बताया था आपको, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है उसने, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस
क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये था आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक उसने दे रखा है 40,000, इसके अलावा परचेजेस दे रखी है 420, नेट परचेजेस है रिटर्न नहीं है तो 420 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस में उसने एक्सपेंसेस ऑन परचेज दे रखा है, एक्सपेंसेस ऑन सेल, एक्सपेंसेस ऑन सेल डायरेक्ट नहीं होता इनडायरेक्ट होता है, वेजेस दे रखी, तो वेजेस है 30,000 और एक्सपेंसेस ऑन परचेज है 8,000, 30 + 8 = 38,000 रुपए ये हो गया। माइनस क्लोजिंग स्टॉक उसने आपको दिया है 52,000, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 4,46,000। ठीक है, आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ ए गुड्स सोल्ड, नेट सेल्स कितनी आई आपकी, वो उसने दी है नेट सेल्स आपको दिया है 6,00,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 4,46,000 विच इज इक्वल टू 154 के आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है बात क्लियर। इसी तरह से एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5, रजिस्ट्रेशन नंबर 5, फिफ्टी रजिस्ट्रेशन है। क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिए और क्लोजिंग स्टॉक निकालिए, दो चीजें निकालने को बोला है, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक, ये दो चीजें निकलेंगी बस। आपको दिया क्या है, सेल्स दिया है, सेल्स इज इक्वल टू 5,40,000, सेल्स रिटर्न दी है, सेल्स रिटर्न दी है आपको 16,000, यहां से हम नेट सेल्स निकाल सकते हैं, नेट सेल्स आपकी आ गई 5,24,000, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करके। ठीक है, सेल्स 5,40,000, सेल रिटर्न 16,000, नेट सेल्स माइनस किया 5,24 आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है आपका 1,20,000 दिया है उसने, इसके अलावा आपने को दिया गया है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया है उसने आपको 20,000, परचेजेस दिए हैं 4,00,000, परचेज रिटर्न दी है 4,000, कैरेज इनवर्ड दिया है 15,000। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, निकालना को बोला है और क्लोजिंग स्टॉक निकालने को बोला है। मैंने आपको ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया था, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां पर आपको निकालने को बोला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ये दो चीजें दे रखी है ना, ये निकालना है, ये दो चीजें आपको दी गई है, तो यहां से फॉर्मूला बनाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स दे रखी है आपको 5,24,000 और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000 और आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 4,04,000। ठीक है बात, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 4,04,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपकी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दिया मैंने यहां पर सीजीएस लिख दिया, ये उसका फॉर्मूला आप जानते हैं, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको 20,000 प्लस नेट परचेज, नेट परचेज आपको दी है उसने 4,00,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस,
डायरेक्ट एक्सपेंस उसने दी है कैरेज इन वार्ड, परचेज रिटर्न थी 4,000 तो माइनस करेंगे 396 रह जाएगा, ये परचेज थी 4,00,000, परचेज रिटर्न थी 4,000, 4,00,000 माइनस 4,000 396 प्लस कैरेज इन वार्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया आपका 15,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि अब क्या निकालना है आपको, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो यहां से क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, ठीक है, प्लस, और ये किसकी जगह ले लेगा, माइनस हो जाएगा, प्लस की उधर माइनस, उधर माइनस का यहां प्लस, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 20 और 15 35, 4 35 में 4 गए 4,31,000, 4,31,000 इनका टोटल आ गया, माइनस 4,04,000, 4,31 में से 4,000 आप माइनस करोगे तो आपका जो है 27,000 क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें।